हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरी भी तबीयत अच्छी है। तो अभी मैंने उठ के घर से बाहर ये यहाँ इधर सड़क पे ना झाड़ू लगा दिए अपने। यहाँ पे ना खुद ही लगानी पड़ती है, स्वीपर नहीं लगाता के, सब अपने अपने घर के सामने से खुद ही लगाते हैं। तो मैंने भी यहाँ अपने घर के सामने से झाड़ू लगा दिए और अब बारी है अंदर की साफ़ सफाई करने की। तो पहले तो मैं भी इनको उठा देती हूँ, ये सोए हुए। सैम, सैम बाबू खड़ा हो जा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रिया खड़ी हो जा बेटा, जल्दी खड़े हो बाबू, खड़े हो ये बेटा, जल्दी खड़े हो जा। गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेबी। तो गाइस मैं बना रही हूँ यहाँ पे धनिया सूखे, इस सूखे वाले धनिया की चटनी और इसमें डाल रही हूँ लहसुन और थोड़ा सा धनिया। तो ये ना सूखे धनिया की चटनी बहुत टेस्टी बनती है। मेरे पास सूखी लाल मिर्च नहीं है। बस इसमें ये डालना है और थोड़ा सा दही, क्योंकि बिना दही के ये पिसेगी नहीं। आप सोच रहे होंगे मैं लोटे में क्या कर रही हूँ, मेरी ना मिक्सी खराब हो गई हमारी, तो बस मैं इसी में पीसूंगी ब्लेंडर से। तो चटनी ना धनिया की, इसमें मैंने सारे डाल लिए, दही नमक मिर्च लहसुन, और बस मैं अभी इसी में पीस दूंगी ब्लेंडर। फिर लगाऊंगी इसमें घी का तड़का। घी डाल रही हूँ मैं इसमें तड़का लगाने के लिए चटनी में। ये चटनी ना इतनी टेस्टी बनती है सूखे धनिया की, बहुत ही ज्यादा। बस कुछ डालने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च है आपके पास तो वो डाल लो, और लहसुन और वो दही और धनिया। इतनी टेस्टी चटनी बनती है। मैंने सिलबट्टे पे नहीं पीसी ये उसमें ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है सिलबट्टे पे पीसने में। सिलबट्टे में पीसने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो मैंने इसको ब्लेंडर से पीस लिया। ये देखो कितनी बारीक पीसी एकदम, और मैंने ना इसे दही में पीसा है। तो बस तेल, ये घी गर्म हो जाता है, इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा, डालूंगी जीरा हल्का सा। बस और कुछ नहीं डालना है इसमें। चाय तो ऐसे भी खा सकते हो आप, और चाय तड़का लगा के खा लो, और फिर आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, खराब नहीं होगी। बस अब इसे पका लेना है थोड़ा सा, और चटनी रेडी मेरी। और आज मैं चटनी रोटी ही खाऊंगी, चटनी रोटी और दही। इस चटनी के साथ ना आप जहाँ दो रोटी खाओगे ना, वहाँ चार खा लोगे। पापा जी लिया है यहाँ घर का सामान, राशन का। ये भी जताना सामान जचाना अभी घर का सारा रसोई का है। ये देखो गाइस मेरी चटनी।
छिट्टा मार रही, गैस मंदी करने पड़ेगी। तो ये मेरी चटनी बन चुकी है और मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली, बस चटनी ले लेती। ये बन चुकी है तो ये देख सकते हो आप मेरी प्लेट, और आप मैं खाना खाने जा रही हूँ और आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। बंद गोभी की सब्जी, दही, धनिया की चटनी, रोटी, आप भी खा लो, आ जाओ। तो गाइस चटनी खा के बहुत ज़्यादा मज़े आ गए। पता है मैंने ये चटनी कम से कम 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए, अचानक से मेरे आज याद आ गई, मेरा मन नहीं था सब्जी खाने का, फिर मैंने ये चटनी बनाई और मैंने एक रोटी तो चटका लिया और अब दूसरी का काम और कर देती हूँ, और पता नहीं एक और खा लूँगी आज। तो आपको खा के मिलती हूँ खाना। सुबह से मारने लग रही है। ओए क्यों मार रहे दीदी के? हाँ मारेगी नहीं फिर वो तेरे, मैं क्या खड्डू बैठू खेल रहे। दूर तो कह दी तेरे मामा ने। ओहो ओहो चाचा पे फूल डाल रहा भाई। प्रियांशु प्रियांशु चाचू को नमस्ते कर दे, कर दे नमस्ते कर दे पहले। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के कर, हाथ जोड़ के कर। अच्छा जल्दी कर, तू नमस्ते तो कर। कौन सी क्लास में होगे तू? अच्छा सॉरी बोल दे तो चाचू को, सॉरी बोल दे कान पकड़ कर। वाह तू भी कहीं जाता है। अपनी कहानी खुद बताया वो ऊटनी के पीछे लाइफ खराब होगी। के गाया करती ताई अपनी आप बताते मैं तो कोई ना कर। हाँ तो फिर गई थी ना ताई तो सकूल में, बोलते तो बचने खातर सह मट सही कहा भाई। अब ताई क्यों छोड़ दियो सकूल, सकूल क्यों छोड़ दिया जानो? आर्थिक संकट। प्रियांशु ताई तूने सारा काम सिखा रखा है, भगवान आगे करे। भगवान के घर जाके ही करूंगी ना ताई। नू बता स्कूल पढ़नो क्यों छोड़ दो? काम ना आए तो जब कौन पढ़ावे तो मैं क्यों छोड़ दो? स्कूल से बचने खातर खेत में भाग जाएगा। बोल गलत बात है ताई। कहीं का बालक खिलावन है, कहीं का बालक खिलावन। और पूछ ले और पूछा करी, और पूछा कुकी भी बालक खिलाने भी गई थी मैं। कैक का खिलाया पड़ोसिया का? पड़ोसिया का ही समझ ले। अरनु के स्कूल ते जान के बचन के मारे नु के थार बालकन खिला लूंगे। कलेक्टर तो कम है, कलेक्टर तो कम चुनना है। अब ये गुट्ठा चले जब पूरे चल ना भाई दोनों काम कर दू। लीलावती लिख है लीलावती। जब मैं पेंसिल लेन जाए जब तो अंगूठो लागे, बैंक में जाए जब साइन मार है ताई। गाइस मैं खा रही हूँ दाल चावल और आप भी खा लो, आ जाओ। मनीष भी खा रहा है और रिया ने भी अपने डाल रखे हैं और मैं ले रही हूँ अपने दाल चावल। गाइस ये आपके लिए दाल चावल, आपके बैठ के मैं ही खा लेती हूँ। एक नंबर की दाल बन रही है आज, सुपर डुपर हिट। बाय बाय।
सो गाइस खाना पीना हो गया है सबका, और आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। बाय।